नमस्कार, हमार बिहार में आपका स्वागत है और मैं करिश्मा आपके साथ। और खबरों की करेंगे शुरुआत। और सबसे पहले बात तमिलनाडु के कुन्नूर में। बुधवार दोपहर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत को ले जा रहा सेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इस हादसे में सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी का निधन हो गया। तो बताते चले कि इस खबर को लेकर कि इस हादसे में सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका समेत अन्य 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि हादसे में इकलौते सर्वाइवर रहे क्रू कैप्टन वरुण सिंह को वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। सेना के इस हेलीकॉप्टर पर कुल 14 लोग सवार थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, बिहार के सीएम नीतीश कुमार समेत कई सियासी दिग्गजों ने इस हादसे को लेकर गहरा दुख व्यक्त किया है। वहीं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार को संसद में हादसे को लेकर बयान जारी करेंगे।